ईओ आरओ भर्ती परीक्षा में एसओजी द्वारा अभी कहा गया है कि हम इस मामले की जांच करेंगे। ये मामला एक बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि ईओ आरओ भर्ती के अंदर कांग्रेस सरकार का एक पूर्व मंत्री 18.5 लाख रुपए की नगद राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसने कहा था कि मैं ओमआर सीट चेंज कराऊंगा और ऐसे अनेकों लोगों की उनने पहले भी ओमआर सीट चेंज कराई थी, पहले 3-4 आरएस भी उसने ऐसे लगवाए थे। तो उस मामले में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हमारे थे अशोक गहलोत जी, जब एसीबी मुखिया हेमंत प्रियदर्शी उनके पास अनुमति मांगने के लिए गए कि इस मामले में आरपीसी मेंबर मंजू शर्मा और संगीता आर्य को हमें गिरफ्तार करना है और दोनों उनके ठिकानों पर एसीबी की टीमें लगी हुई हैं, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये कहते हुए कि इस मामले में तो मेरी सरकार गिर जाएगी और एसीबी मुखिया को उनकी गिरफ्तारी न करने के लिए कह दिया और पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया था। जब मैंने इनकी जो चार्जशीट कोर्ट में पेश की उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की और कहा कि साहब ये मामला था जज साहब के सामने, तो एसीबी कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए एसीबी को वापस वो चार्जशीट लौटा दी थी कि एक सूरजमल नाम का एक व्यक्ति और था जिससे पूर्व मंत्री और जो संगीता ये मंजू शर्मा आपसरी में बात करती थी उसकी आपने कॉल डिटेल क्यों नहीं निकलवाई। तो उस तत्कालीन सरकार ने अपनी सरकार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने इस मामले को दबाया था। वर्तमान जो सरकार है इसी नारे के साथ सत्ता में आई थी कि हम बेरोजगारों के साथ हुए अन्याय को किसी भी हालत में नहीं होने देंगे और पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे। तो काफ़ी जो एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली थी, अनेकों ऐसे फर्जी थानेदार जो भर्ती हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार से मुझे आशा है कि माननीय भजनलाल जी शर्मा अब वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ईओ आरओ भर्ती परीक्षा की जांच भी एसओजी से कराएंगे। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर इस मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराने व सभी गवाहों को जल्दी से जल्दी सुरक्षा दिलाने की मांग की थी और मुझे आशा है कि बेरोजगारों के साथ न्याय होगा। इस पूरे मामले में एसीबी की जो जांच थी उस पर सवालिया निशान लगते हैं क्योंकि एसीबी ने मेरे खुद के मोबाइल से आरोपियों के मोबाइल पर फोन पे 50,000 रुपये डलवाए थे क्योंकि उस समय एक आरोपी ने कहा था कि जब हमने इस नाम के लड़के की ओमआर शीट निकाली तो हमने वहां 50,000 रुपये देने का वादा किया था आपने और वो पैसे आज तक दिए नहीं। तो मेरे फोन से 50,000 रुपये उनके मोबाइल में डाले गए, वो पैसे भी आज तक एसीबी ने बरामद नहीं किए। तो ऐसी परिस्थिति में खुद परिवादी के जो पैसे हैं आज तक बरामद नहीं हुए, जिससे प्रमाणित होता है कि एसीबी इस मामले को दबाना चाहती थी। इसलिए इस मामले की गहराई से मैं तो कहता हूं कि एसओजी जांच करे ही करे, राज्य सरकार को इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए ताकि पता चले पीछे कितने ऐसे आरएएस अधिकारी ओमआर सीट बदलकर राजस्थान के अंदर भर्ती हुए हैं और बेरोजगारों के साथ किस प्रकार से अन्याय व अत्याचार हुआ है, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार का मंत्री या कोई सरकार ऐसा दोबारा कोई कार्य न करे जिससे बेरोजगारों के साथ अन्याय व अत्याचार हो।